গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু হাই ফ্ল্যাট আমি শ্যাম আমি কৌশিক কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো আজ আমরা একটা ইন্টারভিউ দেখব স্ট্রিট ইন্টারভিউ যেটা হচ্ছে আর যেটা বাংলাদেশে নয় সেটা হয়েছে সুদূর পাকিস্তানে হ্যাঁ তো সেখানে একটা ইন্টারভিউ করা হয়েছে বাচ্চাদের নিয়ে এবং সেই ভিডিওটাতে যেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে মানে পাকিস্তানের বাচ্চা কি মানে কতটা জানে বাংলাদেশ সম্পর্কে তো যে ইউটিউব চ্যানেলটা থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে রেহান ক্রিয়েশন তো এই চ্যানেল থেকে আমরা ভিডিওটা নিচ্ছি অরিজিনাল লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখবে এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো চলো আগে ভিডিও দেখে নিই তারপরে আরো কথা হবে ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे पाकिस्तान में कुछ और भी गद्दार पाए जाते हैं अच्छा यार ये बताओ ये किस चीज का फ्लैग है किस मुल्क का फ्लैग है ये बांग्लादेश बांग्लादेश का फ्लैग है बांग्लादेश अच्छा और इनको जानते हो आप मुझे आप ये बताओ कि ये कौन है ये है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अच्छा शेख हसीना अच्छा 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 यानी अच्छा इनको आप जानते हो अच्छा और ये कौन है ये वहाँ के क्रिकेटर साहिबान है क्रिकेटर है वहाँ के इनका नाम नहीं पता नाम नहीं पता नॉट इंटरेस्ट अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इनको जानते हो कि नहीं जानते बांग्लादेश के मुतालिक बांग्लादेश के लिए कुछ किया है कुछ तो किया है कुछ किया है अच्छा ठहरो चलो मैं आपको बताता हूँ ये कौन है ये भुट्टो साहब है पहले आप बताओ ये किस कंट्री का फ्लैग है ये बांग्लादेश का बांग्लादेश का मगरबी पाकिस्तान भी कहा जाता है मशरकी के मगरबी मशरकी अच्छा यार ये बताओ ये किस मुल्क का फ्लैग है उर्दू इंडिया का इंडिया का वाह इंडिया कैसे उन्होंने लाल टीका लगाया होता ना तो इस वजह से अच्छा इंडिया ने लाल टीका लगाया होता ये इसलिए लग रहा है तो ये उनका ही फ्लैग लग रहा है क्योंकि उनका टीके जैसे अच्छा अगर मैं कहूँ बांग्लादेश का तो नहीं ये इंडिया का अच्छा वैसे मुझे बांग्लादेश का स्पेलिंग सुनाओ बांग्लादेश कॉन्फिडेंस से अलग अलग लेवल ही अलग है बी ए एन जी एल ए डी एस बांग्लादेश के अच्छा बताओ ये कौन है ये शायद भुट्टो के खानदान में से मुजीबुर रहमान भुट्टो के खानदान में से हाँ जी लगते उनकी तरह ही है अच्छा 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 आप मुझे बताओ कि इनको देखा कहीं पे हाँ जी इनको मैंने वो बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है पता नहीं प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है नाम नहीं पता नाम शेख शेख असमा बने अच्छा बताओ ये कौन है ये जरदारी के वो अब्दाव अजदा से है भुट्टो कौन है ये भुट्टो अच्छा इन्होंने क्या किया था इन्होंने पाकिस्तान को बहुत लूटा है पाकिस्तान को लूटा है जियाउल हक ने अच्छा किया है इसे पाकिस्तान से हटा दिया क्या मतलब मतलब के फांसी दे दी ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे थे पाकिस्तान में कुछ और भी गद्दार पाए जाते हैं मगर अभी उनको भी इंशाल्लाह यही होगा अच्छा तो एक मिनट इनको जानते हो आप इनको इनको टीवी में देखे हैं टीवी में ये तकरीर वगैरह करता है लेकिन नाम नहीं पता नाम नहीं पता अच्छा और इनको देखा आपने हाँ जी क्रिकेटर है क्या नाम है मुशफिकुर रहमान रहमान हाँ जी काके बोल रहा अच्छा आपको स्कूल में बताते हैं 1971 के बारे में हाँ जी बताते हैं क्या बताते हैं 1971 के बारे में 1971 में पाकिस्तान से जो मशरिकी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से लादा हो गया था इसके बारे में बताते हैं हमें टीचर अच्छा और उसके अलावा भुट्टो या शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कुछ बताते हैं भुट्टो के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया है पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के बारे में क्या बताते हैं
उनके बारे में इतनी हिस्ट्री नहीं पता ये भुट्टो के बारे में, पहले हम सपोर्ट करते थे जब हमें पता चला कि ये गद्दार है और फिर हमने इनको सपोर्ट छोड़ दिया, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आपने मुझे बताना है कौन है। अच्छा बताओ ये कौन है? ये मशफिकुर रहमान है, उनका क्रिकेटर खिलाड़ी है शायद, बांग्लादेश का। अच्छा ठहरो, अब मुझे ये बताओ कि ये कौन है? ये शायद इनको मैंने टीवी पे देखा है, इनका नाम शायद मुजानुर रहमान है ना शायद। अच्छा आपने इनको टीवी पे देखा हुआ है? हाँ देखा हुआ है शायद, या कहीं सोशल मीडिया पे देखा है? देखा होगा लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे देखा है। अच्छा 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 अच्छा, ये कौन है? इनका इनका नहीं पता ज्यादा। इनका आपको नहीं पता? नहीं, हिस्ट्री पढ़ाई ना। और इनका पता है आपको? ये तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना बीबी है इनका नाम। अच्छा अच्छा, स्कूल में कुछ बांग्लादेश के बारे में आपको पढ़ाते हैं? वो जब लाइब्रेरी में जाते थे तो तब पढ़ लेते थे। अच्छा, अब कोरोना की वजह से जाते ही नहीं। अच्छा 1971 में 1971 में क्या हुआ था ये कुछ बताते हैं? 1971 में वो पाकिस्तान से बांग्लादेश शायद अलहदा हुआ था, ये हुआ ना 1971 में। उसके अलावा और बताते नहीं बांग्लादेश के लोगों के बारे में कुछ? बस उनको हम सपोर्ट करते हैं क्रिकेटर को। और अच्छा 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 ठहरो, अच्छा मुझे अब ये बताओ कि ये कौन है? ये तो भुट्टो है। भुट्टो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन्होंने 1971 में इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, और इनको इनको शायद जनरल जियाउल हक ने फांसी दी थी। फांसी दी थी, क्यों दी थी फांसी? ये तो इन दोनों में वैसे कोई फर्क नजर आ रहा है? शक्लें तो सेम लग रही है, कोई भाई भाई लग रहे हैं। भाई भाई लग रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ইন্টারভিউটা স্কুল স্টুডেন্টদের নিয়ে ছিল, খুব বেশি বড় নয় এরা, মানে বিশেষ করে 10 ক্লাস 10 অবধি আমার মনে হলো যে সমস্ত স্টুডেন্টরা ছিল তারা ম্যাক্সিমামই তো মজা করছিল। তো মজা করছিল বলতে ওরা জানেই না, সেই জন্যই ওটা মজার হিসেবে নিচ্ছিল, ওরা ম্যাক্সিমামটাই জানে না। ঠিক আছে, বিশেষ করে এখনকার যে সমস্ত ইয়াং জেনারেশন রয়েছে তারা অনেক কিছুই জানে না এবং জানানো হয় না তাদেরকে। একটা কান্ট্রি আরেকটা কান্ট্রির উপরে যখন কিছু মানে দমনমূলক নীতি চালায় তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পরবর্তী জেনারেশনকে সেই সমস্ত জিনিসগুলো জানানো হয় না, যেটা ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি। ব্রিটেনের আমাদের এই উপমহাদেশীয় অঞ্চলে যখন শাসন করতো সেই শাসন ব্যবস্থার যে মানে খারাপ দিকগুলো সেগুলো কিন্তু তারা তাদের যে স্কুলে যে সমস্ত বই বা অন্য কিছু রয়েছে সেগুলোই কিন্তু তারা তুলে ধরে না। তারা সমস্ত কিছু যেগুলো তাদের ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল সেইগুলো তুলে ধরে, কিন্তু যে খারাপ যা কাজগুলো করেছে সেগুলো তুলে ধরে না। এই দিক থেকে শুনেছি যে এটা জার্মান কিন্তু এই দিক থেকে অনেক বেটার, তারা হিটলারের সময়ে যেগুলো হয়েছিল তারা এখন স্বীকার করে যে আমরা এই এই ক্ষতিগুলো করেছি, এটা আমার যতটুকু জানি আমি সেই সেই দিক থেকে বললাম। তবে এতটাও অজ্ঞ মানে আমি মানে ধারণা করতে পারিনি যে শেখ মুজিবুর রহমান, সবাইকে সবার চেনা দরকার এবং বিশেষ করে যেহেতু পাকিস্তান সেহেতু আরও বেশি করে চেনা দরকার। পাকিস্তানি যে সমস্ত মানুষ রয়েছেন তাদের তো অবশ্যই মানে বঙ্গবন্ধুকে অন্তত চেনা দরকার। বঙ্গবন্ধুর কথা আমাদের হিস্ট্রি বইয়েই আছে, আর পাকিস্তানের হিস্ট্রি বই থাকবে না কেন? মানে সেটা তো একই পার্ট ছিল সেটা প্রথম দিকে, তারপরে তো না হয় আলাদা হয়েছে বিভিন্ন কারণে, ভাষার আন্দোলনে জন্য বা অন্যান্য কিছু ছিল, কিন্তু প্রথমে তো এক ছিল। তো যাই হোক, এটা আলোচ্য বিষয় নয়, বিষয়টা হচ্ছে যে যেটা ভিডিওতে দেখলাম তারপরেও যেগুলো দেখলাম যে একমাত্র শেখ হাসিনাকে সবাই চেনে মোটামুটি, আমরা যেটা দেখলাম ক্রিকেটার মাশরাফিকে এবং সাকিবুল হাসানকেও কেউ চেনে না, এক নম্বর ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর মানে অলরাউন্ডার সাকিবুল হাসান এবং তাকে চেনে না, এদিকে ক্রিকেট দেখে। ঠিক আছে, মানে
মানে ধরে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ঠিক আছে, সবাই এতটাই মানে ক্রিকেটের ভক্ত যে আমার মনে হয় এদেরকে অন্তত যারা টপ লেভেলের ক্রিকেট যে আমি ক্রিকেট দেখি না, মানে ও ঠিক আছে, মানে লাস্টেরটা যেটা বললো যে আমি ক্রিকেট দেখি কিন্তু ওনাকে মানে সেটাই এইবার এত কিছু আর আর বিশেষ কিছু বলার নেই, এটা ইন্টারভিউ ছিল যেহেতু, বোঝা যাচ্ছে যে অনেকটাই মানে তাদের ইতিহাস বইয়ে এই ব্যাপারগুলো নেই, সেহেতু জানে না, যেটুকু জানে সেটুকু হচ্ছে হয়তো বা কারোর কাছ থেকে শুনে বা ফ্যামিলির কারোর কাছ থেকে শুনে বা ভিডিও টিডিও দেখে। আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো জানিও এবং কমেন্ট সেকশনে বলো তোমাদের কী কী অভিমত রয়েছে, এবং ডিসক্রিপশন বক্সে আমি অরিজিনাল লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো, সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখবে। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, আগামী দিন আরও কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো, ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন।